खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां सियालकोट और गिरदोनवा की सड़कें टूट फूट का शिकार। सियालकोट लाड़ी अड्डा तक गोकी रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से रोड हादसात में भी इजाफा हो रहा है, जिससे गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से गाँव नौल में मौजूद ग्रेट न्यूज के नुमाइंदे उमर भट्ट से जानते हैं। जी उमर भट्ट, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सियालकोट और गिरदोनवा की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। सियालकोट तथा वजीराबाद रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट वजीराबाद रोड, गांव नौल का इलाका है, जहां रोड पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हादसात भी रोनमा हो रहे हैं। ड्राइवर हजरात को भी यहाँ से गुजरने के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ड्राइवर हजरात से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि इन गड्ढों की वजह से हमारी लाखों की गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। एम्बुलेंसेस और यहाँ पर जो मरीज़ वगैरह गुजरते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सियालकोट गोकी से लेकर लारी अड्डे तक रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है, और गर्दों को बाहर उड़ने की वजह से लोगों को सांस की बीमारियाँ भी लाख हो रही हैं। तो ड्राइवर हजरात से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इन गड़ों की वजह से हमारी गाड़ियों को भी नुकसान हो रहे हैं और हमें यहाँ पर गुजरने के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। मिनटों का सफ़र जो घंटों में तय हो रहा है, तो लोगों का यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि नौल मोड़ पर ये जो रोड पर गड़े पड़े हुए हैं इनको फिल फोर ठीक करके आवाम के लिए सहूलियत फराहम की जाए। जी।